जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला है। शीला जी कहाँ के रहने वाले हो? यहीं पर के रहने वाले जी, रामपुरी के। जी आपने यहाँ पोस्टर लगाया है बीजेपी वालों का, ना सख्त मनाया, क्यों लगाया, क्या कारण है? ये पोस्टर इसलिए लगा जी, एक तो राजस्थानी बना रहे और लाइट की समस्या, यहाँ बच्चे बूढ़े सभी गिर रहे। अब बताओ ऐसे पार्टी का नेताओं का क्या फायदा जो हमारी सुनिया ही नहीं कर रहे। ऐसा क्या कारण है जो यहाँ के बिजली और पानी की समस्या ज्यादा है, क्या कारण है? कारण तो नेताओं को पता होना चाहिए जी, हमने तो उनके पास जाकर गिड़गिड़ा रहे, भीख मांग रहे जी, करवा दो रास्ता साफ, करवा दो सड़क, बनवा दो। तो बताओ जब कोई सुनवाई नहीं कर रहा तो फिर इसका क्या करा जाए? फिर तो यही लाश। आप किन के पास गए थे, इन्होंने क्या सोचा? संजय बालियान जी के पास भी गए। कौन से विधायक के क्षेत्र में आता है आपके? हाँ, इनके कपिल देव जी के, और ये क्या नाम जी? अगर आपकी आगे भी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर क्या अगला स्टेप होगा, क्या करेंगे? अगला तो यही करेंगे जी, इलेक्शन में कोई भी आओ किसी को भी यहाँ वोट नहीं देगा, ये पूरा मोहल्ला पूरा क्षेत्र ही। बीजेपी को ही या किसी भी पार्टी? किसी को भी पार्टी को, जब कोई हमारी सुनवाई नहीं करता तो हम क्यों दें किसी को वोट? जी भाई साहब, क्या कहाँ के आप रहने वाले, क्या मामला है? जी मैं मोहल्ला रामपुरी माँ भगती चौक का रहने वाला हूँ। आपके यहाँ मोहल्ले में पोस्टर लगे कि भाजपा वालों का आना सख्त मना है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि यहाँ से 6 महीने पहले विधायक जी आए थे और सांसद जी भी आए थे, और यहाँ की जो सड़कें हैं वो अभी तक कोई तैयार नहीं हो पाई, और ना ही लाइट की यहाँ सुविधा है, किसी भी तरह का मतलब कि कोई कार्य नहीं हो पा रहा है यहाँ, इस कारण हमने पोस्टर लगाया है। सांसद जाए थे, किस तरह का आपको आश्वासन दे गए थे? क्या उसके बाद भी कि तुरंत 6 महीने पहले जब आए थे आश्वासन दे गए थे कि हम अब 1-1.5 महीने बाद यहाँ कार्य चालू कर देंगे, और उसके बाद भी कोई कार्य यहाँ नहीं हुआ। इतने टाइम से आप बैठे थे, आपने जब की नहीं कुछ किया जो अब कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं? हमने हर सूचना के अनुसार हर प्रति महीने सभी प्रतिनिधि को, जितने भी बीजेपी के थे कार्यकर्ता नेता भी थे, सबको सूची दी है, व्हाट्सएप भी करे हैं, जानकारी भी दी है, मिले भी जाके, मगर किसी का कोई प्रयास नहीं कि आपका कार्य कर देंगे। अभी बजट नहीं आया, कभी ये नहीं आया, कभी वो, इस तरह का आश्वासन देकर और बिल्कुल समाप्त कर दिया कार्य। उस कारण हमें मजबूरन होके, खुद हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मगर मजबूरन हम आज ये हमें कदम उठाना पड़ा। अभी 2019 में लोकसभा चुनाव है, क्या चुनाव में वोट करोगे या फिर वही? अगर हमारा कार्य नहीं होता, यहाँ सारी मतलब की वासी जो मोहल्ले के वासी हैं सभी ने एक निर्णय लिया है कि अगर हमारा कार्य नहीं होता, कोई भी लाइट की समस्या या सड़क की समस्या कोई सोल्व नहीं होती, तो बहिष्कार जरूर होगा।